वहाँ पे नामवंत कलाकार यहाँ पे आएंगे। फिर 2 तारीख से लेके 3 तारीख और 4 तारीख, तीनों ही दिन 6:30 बजे सुबह वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम मीरा भाईंदर के रसिक को वहाँ देखने मिलेगा। एक रुचि वाले लोग जो होते हैं, बहुत लोगों की एक ख्वाहिश होती है, जैसे काला घोड़ा मुंबई में होता है, वैसे कोई फंक्शन अगर ठाणे ज़िले में हो जाए तो क्या बात है। और वही जो संस्कृति की भूख होती है, प्रताप सरनाइक साहब जैसे ठाणा में उपवन के माध्यम से वो पूरी करते, उसी तरीके से मीरा भाईंदर की जनता की भूख भी वो पूरी करे। हमें नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। इस समय है मीरा भाईंदर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे मैदान में, जहां पे 1 फरवरी से 4 फरवरी तक विहिंग संस्कृत आर्ट फेस्टिवल होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी इसे सफल बनाने के लिए मीरा भाईंदर 146 के विधायक प्रताप सरनाइक और उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी कमर कस ली है। मैं आपको बता दूँ कि इस ग्राउंड में अलग अलग कार्यक्रम होते हैं संस्कृत, और यहाँ पर आप, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर 2 स्टेज है। एक स्टेज यहाँ पे जो बना हुआ है, आप देखा से हमारे पीछे जो है, ये मीरा भाईंदर शहर वासियों के अंदर जो टैलेंट है, जो युवाओं के अंदर जो टैलेंट है वो दिखाने का उन्हें एक मंच मिला है। और एक स्टेज और माना गया है उस साइड, जहाँ पे सेलिब्रिटी आने वाले हैं यहाँ के नागरिकों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो अमूमन जो कार्यक्रम होते हैं शाम के समय में होते हैं, लेकिन इस बार आर्ट फेस्टिवल में कुछ नया करने की सोच रखे हैं विधायक प्रताप सरनाइक। सुबह 6 बजे और उसके बाद शाम को 7 बजे। आखिर ये किस तरह का कार्यक्रम है? इस बार तो ये बहुत ही बड़ा इस बार अपना संस्कृति आर्ट फेस्टिवल होने वाला है। जिस तरीके से प्लानिंग और विजन रखे सरनाइक साहब ने, इस इवेंट को सहारा है वो देखा तो देखने लायक तो है, काबिल तारीफ भी है। अभी आप जो साहब ने सवाल पूछा कि किस तरह के शेड्यूल रहेगा, तो कल 1 फरवरी है, कल हम लोग शाम को 5 बजे मीरा भाईंदर शहर के जितने भी कम्युनिटी यहाँ पे है उन सारे कम्युनिटी को साथ में लेके म्यूज़िक बैंड बाजा ढोल ताशा लेजिम स्कूल के बच्चे, इसके बाद एनसीसी के बच्चे, सभी को एक साथ लेके मीरा भाईंदर शहर की एकता, मीरा भाईंदर शहर की अमन और शांति का एक प्रतीक बन के यहाँ से हम लोग पूरे मैदान के चारों बाजू में हम लोग एक झांकी प्रदेश यहाँ पे सादर करने वाले हैं और प्रेजेंट करने वाले हैं। वो झांकी के बाद हम यहाँ से अंदर आके छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके हमारे मेन जो स्टेज अंदर का है वहाँ पे गायिका मैथिली का कार्यक्रम वहाँ पे शुरू होगा शाम को 7 बजे। ये कल का 1 तारीख का कार्यक्रम रहेगा और असली मज़ा तो 2 तारीख से होने वाला है। 2 तारीख को सुबह 6:30 बजे हमारे मेन स्टेज पे बांसुरी वजन का कार्यक्रम वहाँ पे है, बहुत ही बड़े वहाँ पे नामवंत कलाकार यहाँ पे आएंगे। फिर 2 तारीख से लेके 3 तारीख और 4 तारीख, तीनों ही दिन 6:30 बजे सुबह वहाँ पे एक बड़ा कार्यक्रम मीरा भाईंदर के रसिक को वहाँ देखने मिलेगा। एक रुचि वाले लोग जो होते हैं, बहुत लोगों की एक ख्वाहिश होती है, जैसे काला घोड़ा मुंबई में होता है, वैसे कोई फंक्शन अगर ठाणे ज़िले में हो जाए तो क्या बात है। और वही जो संस्कृति की भूख होती है, प्रताप सरनाइक साहब जैसे ठाणा में उपवन के माध्यम से वो पूरी करते, उसी तरीके से मीरा भाईंदर की जनता की भूख भी वो पूरी करे। हमें काफ़ी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, पासेस लोग मांग रहे हैं, मतलब ये कार्यक्रम और ये उपक्रम अभी दिन ब दिन एक ऊंचाई पर जा चुका है। शाम को 5 बजे जैसे आपने शुरू में कहा कि 7 बजे वहाँ कार्यक्रम है, डेफिनेटली बड़े बड़े कलाकार सेलिब्रिटी 7 बजे वो मंच थामेंगे और अपनी कला पेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी जो आपको ये छोटा स्टेज दिख रहा है, ये मिनी स्टेज के ऊपर भी शाम को 5 बजे
दो तारीख को, तीन तारीख को और चार तारीख को मीरा भाईंदर में जो कलाकार रहते हैं जिनका नाम शायद महाराष्ट्र या देश भर में है लेकिन मीरा भाईंदर की जनता उनको जानती नहीं है। तो सरनाइक साहब ने पिछले आर्ट फेस्टिवल को ये कहा था कि अगली बार मेरे मीरा भाईंदर के कलाकारों को मैं उनका एक खुद का मंच दूंगा। ये मंच यहाँ पर अभी रेडी हो रहा है, कल दो तारीख को इस मंच के ऊपर यहाँ के जितने भी कम्युनिटी है महाराष्ट्रियन, गुजराती, बंगाली, मुस्लिम, सारे कम्युनिटी के सारे परफॉर्मेंस, उनकी लोक संगीत, लोक कला इस मंच पे यहाँ पे दिखाई जाएगी। और उसके बाद तीन तारीख को इसी मंच पे हमें उसको नाम दिया है मुद्रा, इसका मतलब होता है क्लासिकल डांसेस। तो सारे क्लासिकल डांसेस जिसमें कथक आता है और सारी चीज़ें आती है इसी मंच पे तीन तारीख को शाम को 5 बजे शुरू होगी, 5 से लेकर 10 तक का हमारा शेड्यूल है। और 4 तारीख को इस मीरा भाईंदर में सबसे बड़ी ताकत जो है युवाओं की, तो युवाओं के खातर एक युवा का बैंड रखा गया है और 4 तारीख को यहाँ पे युवा उनका अनप्लग बैंड बजा के बहुत ही बढ़िया सा ये एटमोसफेयर कर देंगे। या अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि अक्सर शाम को देखा जाता है ऐसे कार्यक्रम होते हैं लेकिन जो सुबह का कंसेप्ट है वो किस तरह का है, वो लोगों तक कैसे पहुंचेंगे और क्या लगता है आपको ये किस तरह का होने वाला है सुबह का, क्या आम पब्लिक आएगी? प्रयास तो करना पड़ेगा, यही सोच रखे मीरा भाईंदर में ये पहली बार हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये प्रयोग को यश भी उतना ही अच्छा मिलेगा कि मीरा भाईंदर में वैसे लोग हैं। आप अगर थोड़ा पिछला रिकॉर्ड चेक करें तो इस यही सवाल जब हमने दिवाली में नाटक किया था लता मंगेशकर हॉल में, 4 नाटक हमने फ्री में रखा था, तो तभी लोग यही कह रहे थे कि दिवाली का दिन है लोग नहीं आएंगे, इतना दूर कौन जाएगा। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा हर एक नाटक में वहाँ 850 की कैपेसिटी है लेकिन हर एक नाटक में 1000-1500 के ऊपर पब्लिक आई थी, पब्लिक वहाँ पे स्टेयर केस पे बैठने को रेडी हो चुकी थी, इतनी पब्लिक वहाँ पे थी। तो वो एक हमारे लिए एक सिग्नल हो जाता है कि मीरा भाईंदर में रसिक प्रेक्षक है, मीरा भाईंदर में कला को सहारने वाले लोग हैं, सिर्फ उनको एक मौका नहीं मिलता और एक व्यासपीठ नहीं मिलता, वही व्यासपीठ प्रताप सरनाइक ने यहाँ पर दिया है। ये तो थे शिवसेना नेता सचिन मांजरेकर, जिन्होंने कहा है कि अक्सर आपने शाम को तो कार्यक्रम देखा है लेकिन जो सुबह का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी अलग है और यहाँ की जो जनता है उन्हें हम लेके आ रहे हैं कुछ नयापन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुंबई में जिस तरह से काला घोड़ा फेमस है आता है उसी तरह का अब लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि मीरा भाईंदर शहर में आर्ट फेस्टिवल कब होने वाला है, हमें वहाँ जाना है, हमें उसे देखना है। क्यों? क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में जो आर्ट फेस्टिवल होता है वो बड़े पैमाने पर करते हैं 146 के विधायक प्रताप सरनाइक हमारे साथ में हैं, शिवसेना नेता पूजा ताई है हमारे साथ में। पूजा ताई, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में, कितनी उत्साह है महिलाओं में और मेरा शहर के नागरिकों के लिए जो प्रताप सर ने एक यहाँ पे एक मंच प्रदान दिया है, ये काफ़ी अच्छा कदम इसे माना जाएगा कि वहाँ पे सेलिब्रिटी और यहाँ पे यहाँ के जनता अपनी जनता के लिए। जय महाराष्ट्र, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यहाँ पे जो लोग सुबह आएंगे क्या, लेकिन मैं बोलती हूँ कि बहुत पैगामे में जैसे जोश में लोग आएंगे यहाँ पे, सुबह का प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से होगा और आर्ट फेस्टिवल का आप बोल रहे कि इस दिन ही नहीं, आज के दिन से ही नहीं, ये अब 4 साल से मीरा भाईंदर में आर्ट फेस्टिवल हो रहा है लेकिन बहुत सारे हमारे जो रसिक प्रेमी हैं वो आर्ट फेस्टिवल में आने के लिए उत्साह रहते हैं। हम लोगों से पास मांग के वो लोग ले रहे हैं, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम लोगों को पास चाहिए और सुबह का तो बहुत जन मांग रहे हैं पास, यानी उनके में भी उत्साह सुबह का बहुत उत्साह है। हाँ, जिस तरह से आपने कहा, पूजा ताई ने कहा कि लोगों के अंदर एक उत्साह है कि आर्ट फेस्टिवल में आने के लिए, यहाँ के एक प्रोग्राम देखने के लिए, सुबह जिस तरह से रामकथा होने वाला, बांसुरी वादक होने वाले, यानी कि एक अलग सी छवि आमदार प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर को प्रदान कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाइक हर एक को कार्यक्रम करते हैं जिससे कि मीरा भाईंदर शहर का नाम हो। जिस तरह से सचिन जी ने कहा है कि काला घोड़ा जो फेस्टिवल होता है मुंबई में, उसी तरह का आर्ट फेस्टिवल मीरा भाईंदर शहर में ये मशहूर होगा पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत ही बड़े पैमाने पे लेके जाने वाले हैं और हर साल ये कुछ नया करने की सोच रखते हैं। ये आप देख रहे हैं हिंदू हृदय समाज बाला साहब ठाकरे ग्राउंड है, जहाँ पे ये जो स्टेज है यहाँ के स्थानीय नागरिकों के लिए है और इसके पास में स्टेज है जहाँ पे सेलिब्रिटी आने वाले हैं और बच्चों को भी काफ़ी ध्यान में रखा गया है, उनके लिए यहाँ पे एक अलग से गेमिंग जोन बनाया गया है, जब बच्चे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वो अपना भरपूर आनंद ले सकते हैं। 1 फरवरी से ये कार्यक्रम चालू होने वाला है, 4 फरवरी तक चलने वाला है। तो सभी मीरा भाईंदर शहरवासियों से, लोगों से विनती कर रहे हैं कि आप लोग आइए और इस आर्ट फेस्टिवल का एंजॉय लीजिए। बॉन्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।